सब भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कन्फ्यूज का पार्टी है, उसका काम ही है भ्रम फैलाना, कन्फ्यूज की करना। अब रोज चलता रहता है ये गोदी मीडिया जो है, ये गोदी मीडिया में रोज चलता रहता है। क्या चलता है गोदी मीडिया में कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत नजदीकी बढ़ रही है। अरे बहुत नजदीकी बढ़ रही है तो सलाहकार हैं आप नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के लायक भी पार्टी वो नहीं है जिसकी तरफ देखा जाए। वो पार्टी ऐसा है जिसके तरफ थूकने क्या है भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जी? भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से जो वादा किया, एक तो वादा पूरा किया है, कौन सा वादा पूरा किया? कौन सा वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा किया है? न रोजगार के दिशा में, न महंगाई के नियंत्रण में, न गरीबों को 15 लाख रुपया देने में। तो अभी कन्फ्यूज का काम कर रहे हैं। कई तरह के लोग हैं और गोदी मीडिया में कुछ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी, उनका काम ही है रोज भ्रम पैदा कर। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया है, माननीय अमित शाह जी से लेके सम्राट चौधरी तक, इसके पहले संजय जायसवाल थे उन्होंने भी, और एक एक नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि अब नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां भी बंद हैं। और ये विषय हमारे तरफ से नहीं उठता है, ये उनके एक्टिविटी से ही ये निकल करके बातें आती है। वो आरजेडी को डराते हैं और उन वो अप्रत्यक्ष रूप में अपनी गतिविधि से उनको डराते हैं, क्योंकि उनके स्वभाव में हो गया है जो खुद उनके अभी के वर्तमान डिप्टी सीएम ने ही उपाधि दी है। हम तो उनका सम्मान लेते, हम उन लोगों की तरह अमित शाह जी को गाली नहीं वो लोग देते, लेकिन हम नीतीश जी को गाली नहीं देते, पलटू राम भी नहीं कहते। ये कहने का काम उन्हीं के भतीजा राम ने किया था जो अभी उनके डिप्टी सीएम है। तो उनके राजनीतिक विश्वसनीयता नहीं बची है, इसीलिए लोग कयास लगाते हैं और लालू जी भयभीत हो जाते हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, वो फिल्मी गाना है, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। फ्रॉम ब्रेकिंग न्यूज, डिटेल्ड एनालिसिस, इन डेप्थ इंटरव्यूज एंड एक्सप्लेनर्स, फॉलो द टाइम्स ऑफ इंडिया, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट।